अस्सलाम वालेकुम। फूड स्टडी में आज एक नई रेसिपी चिकन पंजाबी कढ़ाई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन पंजाबी कढ़ाई बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए जो कि 750 ग्राम की चिकन है। इसके अलावा इसमें दो बड़े साइज की प्याज है जिसे मैंने बहुत फाइन जो है वो चॉप कर लिया है। इसमें हमें दो बड़े साइज के टमाटर चाहिए जिसे स्लाइस में कटिंग कर लिए। 1/4 कप दही है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी है, इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च है क्योंकि मोटी कुटी हुई है, 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा है जिसे मैंने भूनने के बाद ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है इसे, जूलियन कटिंग में अदरक है और 2-3 जो है वो हरी मिर्चें जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है, यह हम आखिर में दम पे डालेंगे। यहाँ 1/2 कप ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, इसमें हम सबसे पहले ये प्याज डालेंगे। इस प्याज को ज्यादा कटर में नहीं देना है, इसको लाइट कलर में नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी। प्याज के अंदर बहुत लाइट सा कलर आना शुरू हो गया, अब इसमें दोबारा मुझे कलर नहीं देना, इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको हल्का सा फ्राई करना है बस। अब इसमें मैं ये सारा चिकन डाल दूंगी। इस चिकन को इसमें डाल के सिर्फ 2 मिनट जो है वो भूनेंगे। जैसे ही चिकन का कलर पिंक से व्हाइट होता है तो मैं इसमें बाकी मसाले डाल दूंगी। चिकन को हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें नमक, कुटी हुई मिर्च, प्याज डालने की वजह से यह बहुत मसालेदार कढ़ाई तैयार होगी जिसे नान के साथ आसानी से जो है वो खाया जा सकता है। अब मैं इसमें यह टमाटर डाल दूंगी जो कि स्लाइस में कटिंग की हुई है। इस टमाटर के पानी में थोड़ी देर चिकन को पकाएंगे, इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ दें। टमाटर का पानी जो है वो इसमें काफी हद तक खुश्क हो गया है और टमाटर इसमें बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। चिकन अभी कच्चा है, इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी और इसके अंदर चिकन को गलने देंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। इसको मैं कवर कर दूंगी। चिकन जो है वो कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चिकन गल भी गया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में मैंने इसको मीडियम आंच से भी कम जो है वो फ्लेम पर इसको पकाया है। अब इसमें मैं ये दही डाल दूंगी सारी। 2 मिनट इसमें दही का पानी इसका खुश करेंगे। सिर्फ मैं इसको 2 मिनट के लिए जो है वो कवर करूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसमें मैं ये थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, जूलियन कटिंग में अदरक, काली मिर्च और जीरा भुना हुआ, ये डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर
5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चिकन पंजाबी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ आप बेल आइकन का जरूर आप इसको जो है वो क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।